हेलो और वेलकम स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है करण गुप्ता ट्यूटोरियल क्लासेस में, जिसमें हम आज बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ड्रग डिस्कवरी से रिलेटेड है। जैसे कि हमारा जो ये टॉपिक है बेसिकली, और हमारी जो एक सीरीज चल रही है वो है न्यू ड्रग डिस्कवरी के ऊपर, उसी का एक पार्ट है और वो पार्ट है क्लिनिकल ट्रायल्स। तो क्लिनिकल ट्रायल्स क्या होते हैं और इनको कैसे रन किया जाता है, उससे पहले मैं साइड में एक ग्राफ सेंड कर देता हूं आपको, मतलब एक जो आपको पिक दिख रही है, इस पिक्चर के अंदर पूरी न्यू ड्रग डिस्कवरी कैसे होती है और नई ड्रग डिस्कवरी की कौन कौन सी स्टेप्स होती हैं, तो उन स्टेप्स को आप देख रहे हैं, जिसमें से थर्ड स्टेप जो होती है वो होती है क्लिनिकल ट्रायल्स। तो सबसे पहली स्टेप जो होती है वो होती है प्री क्लिनिकल ट्रायल्स, जिसका वीडियो हम पहले से ही बना चुके हैं और उसका लिंक भी मैं आई बटन पर शेयर कर दूंगा, तो वो देख के आप वो समझ सकते हैं कि प्री क्लिनिकल ट्रायल्स क्या होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप के बाद जो सेकंड स्टेप आती है वो होती है आईएनडी, जिसका मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन ऑफ न्यू ड्रग, और उसके बाद आते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लिनिकल ट्रायल्स की। तो क्लिनिकल ट्रायल्स बेसिकली चार फेज में डिवाइडेड होते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3 और फेज 4। तो इस वीडियो को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो इस पार्ट में, मतलब जो हमारा पहला पार्ट है ये, इस पार्ट में हम बात करेंगे फेज 1 और फेज 2 की, जबकि सेकेंड पार्ट में हम बात करेंगे फेज 3 और फेज 4 की। और बहुत ही सिंपल वे में ये समझेंगे कि क्लिनिकल ट्रायल्स की प्रोसीजर क्या होती है, इनको कैसे किया जाता है और इनका इम्पोर्टेंस क्या है। तो बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए बात करते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स की। तो क्लिनिकल ट्रायल्स एक जो न्यू ड्रग डिस्कवरी का फेज 3 है, मतलब स्टेप 3 होती है, और इस स्टेप 3 से पहले दो स्टेप होती है जो कि होती है प्री क्लिनिकल ट्रायल्स और आईएनडी, मतलब इन्वेस्टिगेशन ऑफ न्यू ड्रग। तो प्री क्लिनिकल ट्रायल्स के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं और थोड़ा सा शॉर्ट में आपको समझा देता हूं, थोड़ा मोटा मोटा, कि प्री क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर हम नई ड्रग, जिस भी ड्रग की हम डिस्कवरी कर रहे हैं, उस ड्रग की जो टेस्टिंग होती है वो हम करते हैं एनिमल्स के ऊपर, और एनिमल्स के ऊपर टेस्टिंग करके हम एक डाटा कलेक्ट करते हैं और उस डाटा से हम उसका एक सेफ डोज, मतलब कि कौन सा डोज है जो हम ह्यूमंस के ऊपर टेस्ट कर सकते हैं, उसको डिटरमाइन करते हैं। सेफ डोज से मतलब है वो पर्टिकुलर ड्रग की क्वांटिटी जो हम ह्यूमंस को दे सकते हैं वो एनिमल्स के थ्रू हम डिटरमाइन करते हैं। जैसे डोज का मतलब है, जैसे मार्केट के अंदर जो टेबलेट्स आती हैं 200 mg, 500 mg, 25 mg, 10 mg, तो ये उसका डोज होता है। तो हम वही डोज की कितनी क्वांटिटी हम ह्यूमन में दे सकते हैं, वो सेफ हो सकती है, वो उसकी टेस्टिंग हम प्री क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर करते हैं एनिमल्स के ऊपर, और एनिमल्स से हम जो डाटा कलेक्ट करते हैं उसकी हेल्प से हम ये पता लगाते हैं कि ऐसा कौन सा सेफ डोज है जो हम ह्यूमन्स के ऊपर टेस्ट कर सकते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर। इसीलिए जो फर्स्ट स्टेप होती है उसे कहा जाता है प्री क्लिनिकल ट्रायल्स, जो कि स्टेप 1 है। उसके बाद होता है इन्वेस्टिगेशन ऑफ न्यू ड्रग, और उसके बाद होता है क्लिनिकल ट्रायल्स, जो कि हम ह्यूमंस के ऊपर चेक करते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि क्लिनिकल ट्रायल्स की चार फेज होती है, फेज 1, फेज 2, फेज 3 और फेज 4। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे दो फेज की, फेज 1 और फेज 2। तो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली क्लिनिकल ट्रायल्स में जो टाइम लगता है, थोड़ा मैं आपको टाइम बता दूं, तो इसका जो बेसिकली जो इसमें टाइम लगता है क्लिनिकल ट्रायल्स में, वो लगता है 2 साल से 10 साल। तो क्लिनिकल ट्रायल्स काफी लेंथी प्रोसेस होती है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि चार फेज के अंदर डिवाइडेड होती है, तो सीधी सी बात है काफी लेंथी प्रोसेस तो होगी, और ये 2 से 10 साल तक चलती है, बट हम एक एवरेज मान लें तो 5 साल लगते ही लगते हैं। उसके अलावा क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए जो गाइडलाइंस दी गई है वो USFDA की गाइडलाइन है, जिसको हमको फॉलो करना होता है, और ये गाइडलाइन दी गई थी 2006 में। तो हम USFDA की गाइडलाइन को फॉलो करते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर, जो कि 2006 में दी गई थी। अब हम बात करते हैं कि जैसे कि मैंने बताया कि इसके अंदर चार फेज होते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। तो उससे पहले एक और फेज होता है जो कि प्री क्लिनिकल ट्रायल से क्लिनिकल ट्रायल्स के बीच में होता है, वो होता है इन्वेस्टिगेशन ऑफ न्यू ड्रग, आईएनडी। बेसिकली आईएनडी, इन्वेस्टिगेशन ऑफ न्यू ड्रग, कह सकते हैं कि एक एप्लीकेशन प्रोसीजर होता है जो हम FDA को करते हैं। इस आईएनडी के अंदर जो होता है, जैसे आपने प्री क्लिनिकल ट्रायल्स कर लिए, मतलब आपने एनिमल्स के ऊपर टेस्टिंग कर ली, तो आपको जब ह्यूमंस के ऊपर टेस्टिंग करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एक सीधी सी बात है परमिशन लेने की जरूरत पड़ेगी, मतलब जिस कंट्री में आप वो ट्रायल्स कर रहे हैं तो उस गवर्नमेंट बॉडी से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो यही परमिशन की जो प्रोसेस होती है इसे कहा जाता है इन्वेस्टिगेशन ऑफ न्यू ड्रग, जो कि गवर्नमेंट की अथॉरिटी के द्वारा की जाती है। इसमें कम से कम 30 दिन लगते हैं। तो
ये जो प्रोसीजर होता है मतलब प्री क्लिनिकल ट्रायल से क्लिनिकल ट्रायल्स के बीच में, उसमें बीच में जो एक स्टेप होती है वो होती है आईएनडी, जिसे कहते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफ न्यू ड्रग, जिसमें हम एक अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते हैं और अपने वो सीधी बात उस एप्लीकेशन के अंदर हम सब यही सब इंफॉर्मेशन लिखते हैं कि हमने जो प्री क्लिनिकल ट्रायल्स से जो हमको रिजल्ट्स मिले उसके बारे में हम उस इंफॉर्मेशन मतलब उस एप्लीकेशन के अंदर हम लिखते हैं, उसके डॉक्यूमेंट अटैच करते हैं और गवर्नमेंट बॉडीज को वो डॉक्यूमेंट्स देते हैं और गवर्नमेंट बॉडी कम से कम 30 दिन का टाइम लेती है और उसको वेरीफाई करने के बाद हमको परमिशन देती है कि हम वो जो है थर्ड स्टेप पे जा सके, मतलब क्लिनिकल ट्रायल्स कर सके और क्लिनिकल ट्रायल्स में हम ह्यूमंस के ऊपर टेस्टिंग कर सके। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है मतलब प्री क्लिनिकल ट्रायल से क्लिनिकल ट्रायल्स स्टार्ट करने की, इसे कहा जाता है जीरो फेस। क्या बोला जाता है? जीरो फेस। इस जीरो फेस के अंदर कई बार जब ये पूरी प्रोसीजर चलती होती है तो कई बार इंडस्ट्रीज मतलब जो भी कंपनी न्यू ड्रग डिस्कवरी कर रही है वो कई बार ड्रग अपने रिसर्च को कंटिन्यू करने के लिए बहुत कम लोगों को मतलब 10 से 15 लोगों को लेकर एक उन हेल्थी वॉलंटियर्स के ऊपर भी ड्रग का टेस्टिंग करना स्टार्ट कर देती है, जिससे वहां उन ह्यूमंस के ऊपर जो उनके रिजल्ट्स आ रहे हैं तो 10 से 15 लोग ही लेते हैं और उनके ऊपर बेसिकली हम फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनामिक स्टडी करते हैं और वहां पर उनके रिजल्ट कलेक्ट करते हैं। तो ये एक तरह से आपकी आईएनडी की प्रोसेस भी चल रही है और आईएनडी की प्रोसेस के बीच में आपकी ये वाली चीज भी चल रही है कि आप 10 से 15 लोगों के बीच के ऊपर हेल्दी वॉलंटियर्स के ऊपर हम ड्रग की टेस्टिंग कर रहे हैं, जिससे हम ड्रग के रिजल्ट्स हम देखते हैं फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनामिक के। एक चीज और, अगर आपको फार्माकोकाइनेटिक क्या होती है और फार्माकोडायनामिक क्या होती है अगर आपको इसके बारे में पता करना है तो इसके ऊपर मैं पहले से एक वीडियो बना चुका हूं, वो वीडियो देख के आप बहुत इजी वे में समझ सकते हैं कि फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनामिक क्या है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो आई बटन में मैं शेयर कर दूंगा उसका लिंक, तो वो लिंक पे जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं तो आपको बहुत ईजिली क्लियर हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्री क्लिनिकल से क्लिनिकल के बीच में जो बीच में एक स्टेप होती है वो होती है आईएनडी मतलब इन्वेस्टिगेशन ऑफ न्यू ड्रग और इसमें कम से कम 30 दिन का टाइम लगता है। उसी पूरे फेज में हम 10 से 15 लोगों के ऊपर ड्रग की टेस्टिंग करते हैं जिसमें हम उस ड्रग के फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनामिक स्टडी करते हैं। तो इससे ये होता है कि हम एक फ्लो में भी चलते हैं और इसी फेज को कहा जाता है जीरो फेज। तो जीरो फेज के बाद स्टार्ट होती और अभी जीरो फेज में अगर हमको परमिशन मिल जाती है कि हम ड्रग की टेस्टिंग कर सकते हैं तो यहां से हमारे क्लिनिकल ट्रायल्स स्टार्ट होते हैं और क्लिनिकल ट्रायल की फर्स्ट स्टेप होती है फेज वन। तो जैसे कि हमने बात करी कि जीरो फेज के अंदर जो फेज होता है जिसके अंदर इन्वेस्टिगेशन ऑफ न्यू ड्रग भी चलता रहता है और साथ ही साथ हम 10 से 15 हेल्थी वॉलंटियर्स के ऊपर ड्रग की टेस्टिंग भी करते हैं, तो एक चीज हमको ध्यान रखना है कि जो इस प्रोसेस के अंदर जीरो फेज के अंदर हम जिस ड्रग की टेस्टिंग कर रहे हैं वहां पर हमको ड्रग का जो सेफ डोज है उसी का ही यूज करना है, जो सेफेस्ट डोज हो सकता है, क्योंकि इस पूरी प्रोसीजर के अंदर हमको अभी तक क्लिनिकल ट्रायल्स की परमिशन नहीं मिली है तो आपको सबसे ज्यादा सेफेस्ट डोज जो हो सकता है उसी का ही यूज करना है। तो अब हम बात करते हैं तो फेज वन के अंदर, जैसे कि फेज वन में हम प्रॉपरली ह्यूमन के ऊपर हम ड्रग की टेस्टिंग करते हैं तो इसके अंदर जो पर्सन होते हैं उनका ग्रुप जो होता है वो होता है 20 से 80, मतलब 20 से 80 पर्संस को हेल्थी वॉलंटियर्स को हम ड्रग की टेस्टिंग हम उनके ऊपर करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो हम डोज लेते हैं वो सेफेस्ट डोज होता है और बेसिकली फेज वन के अंदर हम यही डिटरमाइन करते हैं कि जो सेफेस्ट डोज कौन सा हो सकता है और हाईएस्ट थेरापेटिक और सेफेस्ट डोज हम इसकी खोज मतलब इसका पता लगाते हैं फेज वन के अंदर। तो दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो ये कि यहां पर जो पर्सन होते हैं वो होते हैं 20 से 80, उसके अलावा यहां पर हम सेफेस्ट डोज की खोज करते हैं, मतलब ये पूरी प्रोसेस जो फेज वन होगी इसके अंदर हम किसी ड्रग का सेफेस्ट डोज डिटरमाइन करते हैं कि वो कौन सा सेफेस्ट डोज है और हाईली एक्टिव डोज है ये, और सेफेस्ट डोज हम कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अवर प्री क्लिनिकल ट्रायल, जो हमको एनिमल्स के ऊपर जो हमने टेस्टिंग करी थी उससे जो इन्फॉर्मेशन मिली थी उसके बेसिस पे हम उस डोज को कैलकुलेशन करते हैं। तो जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं कि जैसे कि फेज वन है 20 से 80 लोग हैं, तो ये जो ट्रायल्स होते हैं वो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि एक प्रॉपर क्लिनिक के अंदर होते हैं, मतलब एक ऐसी जगह पे ये जो फेज होता है उसको रन किया जाता है जहां पर जो आपके वॉलंटियर्स हैं जो 20 से 80 लोग हैं वो कंटिन्यू 24 घंटे मॉनिटरिंग की जाती है उनको एक स्टाफ के द्वारा। तो कंटिन्यू वो मॉनिटरिंग स्टेप पे होते हैं क्योंकि ये एक इनिशियल फेज होता है क्लिनिकल ट्रायल्स का, इसलिए उनकी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की जाती है 24 घंटे उनकी मॉनिटरिंग की जाती है। और स्टाफ जो होता है, मान लीजिए कि एक प्रॉपर हॉस्पिटल होता है वहां पर इनका स्टाफ होता है, वो स्टाफ इनकी कंटिन्यूसली इनका ब्लड प्रेशर इनके ब्लड सैंपल की टेस्टिंग कंटिन्यू होती रहती है, जिसमें हम ये देखते हैं कि ड्रग की एक्टिविटी कितनी हो रही है, ड्रग कितना एक्शन कर रही है, उसकी बायोक्लेंस स्टडी कितनी हो रही है, उसके अलावा उसके साइड इफेक्ट, फार्माकोविजिलेंस स्टडी, उसके टॉक्सिक इफेक्ट्स, इन सब की स्टडी जो होती है वो फर्स्ट क्लिनिक मतलब फेज वन के अंदर की जाती है। तो यहां पर बेसिकली हम
यहां पर हम एक सेफेस्ट डोज को डिटरमाइन करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि यहां पर हम जो पेशेंट है, जो फेज वन के अंदर जो पेशेंट हिस्सा ले रहे हैं या जिनका ग्रुप बना हुआ है, तो यहां पर हम इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक तो हमको ड्रग का सेफेस्ट डोज डिटरमाइन करना है कि सबसे सेफ और सबसे एक्टिव थेरापेटिक डोज कौन सा है। उसके अलावा हम इसी पूरी फेज के अंदर हम ड्रग के एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट, उसकी टॉक्सिक इफेक्ट, उन सबको डिटरमाइन कर लेते हैं। दूसरी चीज ये कि ये जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं वो ऐसे हॉस्पिटल के अंदर होते हैं जहां पर हम पेशेंट को 24 घंटे वॉच करते हैं। एक चीज और कि यहां पर जो पेशेंट है, मतलब कि आप यहां पर जो पेशेंट को हमको कितनी देर तक वॉच करना है, तो हम ड्रग की शेल्फ लाइफ तक उसको वॉच करते हैं। मतलब जितना ड्रग का शेल्फ लाइफ है हम पेशेंट्स को तब तक वॉच करेंगे और उनको मॉनिटर करेंगे। अब शेल्फ लाइफ 2 महीना भी हो सकता है, 1 महीना भी हो सकता है, 1 हफ्ता भी हो सकता है, तो उस पूरे टाइम पीरियड पे हम पेशेंट्स को मॉनिटर करते हैं। एक चीज और कि यहां पर जैसे मैंने आप बताया कि जो हम 20 से 80 लोग लेते हैं वो हमेशा हेल्थी वॉलंटियर होते हैं, मतलब स्वस्थ आदमी होते हैं, चलते फिरते जो मार्केट के अंदर है वही लोग हैं। बट कई ऐसे डिजीज होते हैं जो काफी खतरनाक होते हैं, वहां पर हम उनकी ड्रग्स की टेस्टिंग हम हेल्थी वॉलंटियर्स पे नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहां पर उनकी जान को खतरा हो सकता है, जैसे कैंसर हो गया, एड्स हो गया। तो इनकी ड्रग की टेस्टिंग के लिए हम क्या करते हैं कि उन्हीं पेशेंट्स के ऊपर इन ड्रग की टेस्टिंग करते हैं जो पहले से ही इन डिजीज से सफर कर रहे हैं। मतलब वो जो पेशेंट को पहले से ही कैंसर है या पहले से ही एड्स है, तो इस टाइप की ड्रग्स जो होती है उनकी टेस्टिंग हम बेसिकली उन्हीं लोगों पे कर सकते हैं जो पहले से सफर कर रहे हैं उन पर्टिकुलर डिजीज पे, क्योंकि ये जो ड्रग्स होती हैं काफी ज्यादा हाईली एक्टिव ड्रग्स होती हैं, तो इनके साइड इफेक्ट्स और टॉक्सिक इफेक्ट काफी खतरनाक हो सकते हैं, जिससे हेल्थी वॉलंटियर्स की डेथ भी हो सकती है या उनको अलग डिजीज हो सकती है जो खतरनाक इफेक्ट्स हो सकते हैं। इन सभी से बचने के लिए हम गवर्नमेंट हमको हेल्थी वॉलंटियर्स को करने के लिए इनकी परमिशन नहीं मिलती है, इसलिए फेज वन के अंदर हमको इनकी ऊपर ही टेस्टिंग करनी पड़ती है जो पहले से ही सफर कर रहे हैं। एक चीज और कि एक क्वेश्चन और उठता है कि जब हेल्थी वॉलंटियर इसमें हिस्सा ले रहे हैं तो वो उनको कुछ मिल रहा है इसके लिए, तो हाँ बिल्कुल, इसके लिए उनको पेमेंट भी किया जाता है। तो जो अथॉरिटी जो क्लिनिकल ट्रायल्स करती है वो इनको पेमेंट करती है, तो पेमेंट का जो अब पैसे किस हिसाब से मिलते हैं, पैसे इसी हिसाब से मिलते हैं कि जो टाइम पीरियड है उसके हिसाब से, कि जो वॉलंटियर्स इसमें हिस्सा ले रहे हैं, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर, तो वो उनका टाइम पीरियड देखा जाता है कि उस कितने टाइम पीरियड के लिए इसमें हिस्सा ले रहे हैं, उनका शेड्यूल देखा जाता है, तो उसके हिसाब से। साथ ही साथ सीधी सी बात है कि ड्रग्स की कंडीशन भी देखी जाएगी। मतलब कभी जैसे मैंने आपको बताया कि किसी कोई ऐसी डिजीज के ऊपर काम हो रहा है जो काफी खतरनाक है, तो जिसमें इंसान की जान को भी खतरा हो सकता है, तो रिस्क फैक्टर भी यहाँ पर काम कर सकता है, क्योंकि तो उस बेसिस पे भी। और यहाँ पर पेशेंट से पहले बॉन्ड साइन करवाया जाता है और उसके बाद ही उनको इन क्लिनिकल ट्रायल्स में हिस्सा लेने दिया जाता है, तो बिल्कुल ईजी है। एक चीज और कि जैसे कि आप पूरा सिस्टमेटिक समझ गए होंगे कि फेज वन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें हम ड्रग का डोज भी डिटरमाइन कर लेते हैं कि इसका सबसे अच्छा डोज कौन सा है, मतलब सबसे एक्टिव डोज कौन सा है। उसके बाद हमके साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट भी हमको पता चल जाते हैं, पेशेंट को हम 24 घंटे वॉच भी कर लेते हैं। एक चीज और कि ये जो ट्रायल्स होते हैं 2 टाइप के होते हैं, इस एक ट्रायल्स बोला जाता है, मतलब फेज वन जो होता है वो 2 टाइप से हुआ होता है, एक होता है SAD जिसे कहा जाता है सिंगल असेंडिंग डोज, और एक होता है MAD मल्टीपल असेंडिंग डोज। मैं पहले बता देता हूँ कि सिंगल असेंडिंग डोज में क्या होता है। सिंगल असेंडिंग डोज के अंदर हम एक सिंगल डोज लेते हैं, है ना, मान लीजिए 250 mg, हमको पता चला कि ये एक डोज है और ये सबसे ज्यादा सेफेस्ट है, तो हम उस 250 mg के डोज को ही अपने वॉलंटियर्स को प्रोवाइड कराते हैं, और जब वहां से और फिर हम उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, ड्रग की एक्टिविटी के ऊपर कलेक्ट करते हैं, और जब हम पूरी तरीके से श्योर हो जाते हैं कि जो 200-250 mg है वो पूरा सिक्योर है, तो फिर हम ऊपर जाते हैं, मतलब 200 के बाद हम फिर 250 पे जाते हैं, 250 के बाद हम 400 पे जाते हैं, और धीरे धीरे हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते आते हैं। तो सिंगल असेंडिंग डोज के ऊपर हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। वहीं मल्टीपल असेंडिंग डोज के अंदर हम क्या करते हैं, मतलब एक होता है SAD हो गया, एक होता है MAD जिसे कहा जाता है मल्टीपल असेंडिंग डोज। यही मल्टीपल असेंडिंग डोज के अंदर हम क्या करते हैं कि डोज को मतलब 250, 400, 500 के 3 डोज बना लिए, तीनों को एक साथ दे देते हैं अलग अलग ग्रुप्स के अंदर, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी में 3 ग्रुप बना लिए आपने, और तीनों ग्रुप को अलग अलग डोज दे दिए एक ही टाइम पे, ठीक है, यहां पर एक ही टाइम पे आप मतलब कह सकते हैं एक साथ दे दिए, और फिर हम उन तीनों ग्रुप की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं एक साथ, और फिर उनको कंपेयर करते हैं कि सबसे अच्छा रिजल्ट कहां पर आया। तो यहां पर हम सिंगल असेंडिंग डोज की बात करें तो ये कम से कम सेफेस्ट टेक्निक है, ये एक सेफ टेक्निक है। वहीं हम मल्टीपल असेंडिंग डोज की बात करें, एमएडी की बात करें, तो ये थोड़ी सी कह सकते हैं कि यहाँ पर एक रिस्क फैक्टर तो काम कर ही रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपने सारे डोज एक साथ दे दिए हैं और सारी इन्फॉर्मेशन आप एक साथ कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो वहां मल्टीपल असेंडिंग डोज काफी रिस्क फैक्टर होता है। बट यहीं पर अगर हम सिंगल की बात करें तो ये थोड़ा सा
टाइम कंज्यूमिंग तो है, यहाँ पर टाइम ज्यादा ही लगेगा, सीधी सी बात है सिंगल असेंडिंग डोज में, बट ये एक सेफ टेक्निक है। वहीं एमएडी में टाइम थोड़ा कम लग रहा है बट ये एक रिस्की है। तो जैसे कि मैंने अभी हमने बात करी फेज वन की, अब हम बात करेंगे फेज टू की। तो जैसे कि हमने समझा कि फेज वन जो है जहां पर हमको ड्रग का एक सेफ डोज पता चल चुका है, तो उसी डोज को हम कंटिन्यू करते हैं हमारे फेज टू के अंदर। जैसे कि फेज टू के अंदर सीधी बात है, जहां पर हम फेज वन के अंदर 20 से 80 लोग को ले रहे थे अपने ग्रुप के अंदर, अब यहां पर ग्रुप बढ़ेगा तो अब ग्रुप होगा कम से कम 20 से लेकर 300 लोगों के बीच में। तो 20 से लेकर 300 लोगों के बीच के ऊपर हम अपने ड्रग की टेस्टिंग करते हैं। तो इस क्लिनिकल ट्रायल के मतलब फेज टू के अंदर जो ड्रग के फेल होने के चांसेस होते हैं वो सबसे ज्यादा यहीं पे होते हैं, क्योंकि अब ग्रुप बढ़ चुका है। तो ग्रुप बढ़ने की वजह से यहां पर ड्रग के जो होते हैं फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं। तो बिल्कुल इजी है, फेज टू बहुत छोटा भी होता है क्योंकि इसके अंदर ज्यादा कोई लफड़े नहीं होते। तो दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। एक चीज तो ये कि यहां पर ड्रग फेल हो सकती है क्योंकि यहां पर आपका ग्रुप बढ़ चुका है। तो अगर यहां इसी बीच अगर आपकी ड्रग जो है वो टॉक्सिक इफेक्ट एडवर्स इफेक्ट दिखा देती है तो सीधी सी बात है आपकी जो क्लिनिकल ट्रायल्स है वो यहीं पे फेल हो जाएंगे। दूसरी चीज ये कि यहां पर आपके पास अगर एक सेफ डोज आ चुका है फेज वन में, तो उस डोज की टेस्टिंग आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि फेज टू के अंदर हम क्या करते हैं, ग्रुप बना देते हैं, तो अलग अलग ग्रुप बना लेते हैं और उसके ऊपर हम सेफ डोज की टेस्टिंग करते हैं। जैसे कि एक ग्रुप के अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारा सेफेस्ट डोज है हम उसकी टेस्टिंग करेंगे कि जब हम जो सेफ डोज जो हमने फेज वन से डिटरमाइन किया है उसको अगर हम देते हैं तो क्या रिजल्ट्स आते हैं, और क्योंकि ग्रुप बढ़ गया है। और ग्रुप टू के अंदर हम क्या करते हैं कि डोज को धीरे धीरे बढ़ा के देखते हैं कि अब क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो यहां पर दो ग्रुप बना लिया आपने, फेज टू चल रहा है जिसमें हमने दो ग्रुप बना लिए। ग्रुप वन को हम सेफ डोज दे रहे हैं जो हमारा जो हमको फेज वन से पता चला है, जबकि ग्रुप टू को हम धीरे धीरे हमारा डोज बड़ा बड़ा के चेक कर रहे हैं कि ड्रग का रिजल्ट अब कैसा आ रहा है। तो बेसिकली यहां पर हम ड्रग के फार्माकोकाइनेटिक फार्माकोडायनेमिक इफेक्ट साथ ही साथ उसके एडवर्स साइड इफेक्ट और टॉक्सिकोलॉजिकल इफेक्ट भी देखते हैं। कई बार फेज टू और फेज वन और फेज टू जो होते हैं वो साथ में ही रन होते हैं और बहुत मतलब उन साथ में ही उनके रिजल्ट को फिर हम डिटरमाइन करते हैं और उनको कंपेयर करते हैं। तो फेज टू बिल्कुल सिंपल है, इजी है, बट ड्रग के फेल होने के चांसेस सबसे ज्यादा कहां पर होते हैं, फेज टू में। तो अगर आपको जनरली भी अगर कभी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाए क्लिनिकल ट्रायल्स के ऊपर, तो आप अपने दिमाग के अंदर ये चीज हमेशा रखना कि ड्रग के फेल होने के चांसेस कहां पर हैं, फेज टू के अंदर। तो मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत इजी वे में मैंने फेज वन और फेज टू बहुत इजी वे में समझा है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगले पार्ट में हम बात करेंगे फेज थ्री और फेज फोर के बारे में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्लिनिकल ट्रायल्स के। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अगर आप भी इन इंस्ट्रूमेंट पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम इन अवर इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट का एड्रेस और सारी इंफॉर्मेशन, चाहे वो ईमेल आईडी हो या चाहे उसका मोबाइल नंबर हो हमारा, वो सभी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप हमसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और अगर आपकी कोई क्यूरी है तो वो भी आप हमको बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स वर्क से जुड़े हुए हैं, कोई पीएचडी वर्क से जुड़े हुए हैं, या आप कोई ऐसे कोर्स से जुड़े हुए हैं जहां पर आपको इन इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, या आपके पास कुछ ऐसे सैंपल हैं जो इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स पे ही रन हो सकते हैं बट वो आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो हमारा इंस्टीट्यूट ऐसी कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड कराता है और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी हमने हमारे लिंक बॉक्स के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको प्रोवाइड कराई है। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारा वीडियो देखते रहिए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू।